नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चार स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, टेक सॉल्यूशंस, ग्रैन्यूल्स, जनरल पॉली और एनसीसी। तो हम इन चारों ही स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इन पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। हमारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आइए दोस्तों, अब चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया को लेकर क्या न्यूज़ चल रही है उसको देखना चाहूँगा। तो इनकी जो बड़ी न्यूज़ आई थी ये थी कि इनका जो US ड्रग रेगुलेटर्स थे, उनकी जो इन ग्रैन्यूल इंडिया की US बेस्ड सब्सिडियरी है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत पूरा इंस्पेक्शन पूरा हुआ था और इन्हें उसके बाद कुछ अप्रूवल्स मिल गए थे, जो कि काफ़ी इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। और उसके बाद इस स्टॉक में आप देखेंगे कि पिछले 4-5 दिनों में आग सी लग गई है। अगर मैं दोस्तों बल्क रिलीज की बात करूं कि ग्रैन्यूल्स इंडिया में क्या चल रही है, तो BNB परिवार्स ने 1.15% का स्टेक अपना ग्रैन्यूल्स में बढ़ाया है, जो कि एक और अच्छी खबर है इस स्टॉक के लिए। अब आप अगर चार्ट के माध्यम से इस स्टॉक को देखेंगे तो दोस्तों, तो ये स्टॉक देखिए एक टाइम 420 रुपये के आसपास था, फिर 300 के आसपास गया, फिर यहाँ पे 300 के पास जाता है, 370 के पास रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर वापस वहीं पहुँच जाता है। तो ये आप अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना दूँ तो ये देखिए, ये जो एरिया है इसका, ये एक बहुत ही आपका 370 का जो एरिया है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस जोन की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस स्टॉक को हमें कब खरीदना है? हमें इसको 371 रुपीज़ के ऊपर खरीदना है और टारगेट दोस्तों जो हमारे रहेंगे वो 400 और 430 रुपये के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस दोस्तों हमें छोटा सा इसमें रखना है 345 रुपीज़ का। मैं एक बार जो मैंने डिस्कशन किया है उसको एक बार लिख भी देता हूँ। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बहुत ही इसमें सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि बाई अबव 370 करिएगा, जो टारगेट्स रहेंगे वो हमारे 400 के आसपास के रहेंगे, उसके बाद अगर इसको तोड़ा तो 430-440 तक के टारगेट्स को हम एम करेंगे। स्टॉप लॉस दोस्तों जरूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो 345 के आसपास मेंटेन करके इस स्टॉक में चलिएगा, क्योंकि ये स्टॉक भागता है इतनी तेज़ी से है, तो आप ये देखेंगे कि गिरने में भी ये काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है। आइए दोस्तों, अब हम NCC की बात कर लेते हैं। तो ये स्टॉक राकेश झुंझुनवाला जी का है, आप सभी को पता होगा। तो ये ऑलरेडी इस साल काफ़ी ग्रोथ दिखा चुका है, बट एनालिस्ट का मानना है कि इसमें अभी और ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका EPC ऑर्डर बुक इनका कितना है, 37,900 करोड़ का है 31 मार्च 2021 तक। तो क्योंकि इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी ऑर्डर्स हैं, तो उसमें रिस्क इनके पास काफ़ी कम है। NBC ने और NBCC ने इनको 860 करोड़ का ऑर्डर भी दिया है रिसेंट में, 2 से 3 हफ्ता पहले। तो इसके ऊपर लेके बिजनेस टुडे ने भी अपना थोड़ा सा आर्टिकल निकाला था, तो इसमें भी इन्होंने कहा था कि आप इसको बाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉशियस रह के आप इसमें बाई करिएगा। अब अगर दोस्तों मैं इस स्टॉक को चार्ट पे देखूं तो ये भी देखिए, ये स्टॉक भी अपने एक बहुत आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है। यहाँ पे देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार ये स्टॉक इस एरिया को रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर चुका है, 100 रुपये के आसपास भी गया है। एक बार मैं इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखना चाहूंगा इस स्टॉक का। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखिए दोस्तों, 140 रुपये के आसपास तक का आप मैक्सिमम टारगेट लेके चल सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट 100 रुपये और 120 रुपये तक का आप इस स्टॉक में लेके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक को दोस्तों आपको कब खरीदना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो आपको तब खरीदना है जब जो प्रेजेंट इसका ब्रेकआउट है वो कन्फर्म हो जाए। तो इस स्टॉक को आप बाई अबव 95 करिएगा, जो टारगेट्स रहेंगे वो 100 रुपये, 115 रुपये और 140 के तक के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें हमें 90 रुपीज़ के नीचे रखना है, तो 88-87 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस NCC को लेके दोस्तों। अब आइए हम जिंदल पॉलीफिल्म्स की बात कर लेते हैं। तो इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो इनकी बैंक फैसिलिटीज़ को केयर ने क्रेडिट रेटिंग्स को सही और अच्छा किया है, इनकी रेटिंग्स को रिव्यू करके रीअफर्म किया है। और दोस्तों थोड़ी सी और एनालिसिस हुई थी, रिपोर्ट्स आई थी कि इसमें प्लास्टिक फिल्म और इन सब के बारे में क्या आपका 2028 तक का उसमें एनालिसिस हुआ था, तो उसमें जिंदल पॉली को काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया गया था। तो इन सब
रीजंस की वजह से इसके फ्यूचर काफी हमें ब्राइट लग रहा है और स्टॉक में भी वही चीज हमें देखने को मिल रही है। ये एक मैं दोस्तों ट्रेंड लाइन अगर बनाऊं सपोर्ट के आसपास की, तो यहाँ पे देखिए कि काफ़ी अच्छे से इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन एक बना के देखता हूँ, तो इसमें मैं वो भी मैं आपको बना के एक दिखाता हूँ। तो ये स्टॉक देखिए कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लोज ही बना रहा है, और यहाँ पे देखिए ये स्टॉक को 984 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर ये 940 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इसमें दोस्तों क्या करना है, अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसका थोड़ा सा ऊपर अगर मैं यहाँ को तो 920 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस के संग आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो पहला टारगेट तो 980 का रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें 1:1 है वहाँ पे, और अगर उसको तोड़ देता है तो फिर स्टॉक में आप 1100 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग रन में एम करके चल सकते हैं। बस इसलिए स्टॉक क्या है कि एक आप कह सकते हैं कि पैटर्न को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस स्टॉक में आप दोस्तों 980 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर आप सारे 1100 तक के टारगेट्स को एम करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें जो हमारा रहेगा वो बहुत छोटा सा हम रखेंगे, 920 रुपये का। अगर मैं दोस्तों टेक सॉल्यूशंस की बात करूं तो इनके जो रिजल्ट्स आए थे वो एनालिस्ट को पसंद नहीं आए थे, उसके बाद इसमें काफ़ी सेलिंग हैवी वॉल्यूम में सेलिंग हुई थी और 7% ये स्टॉक एक ही दिन में गिरा था। यहाँ पे अगर मैं चार्ट पे देखूं दोस्तों तो ये स्टॉक अपना यहाँ पे पहले जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 65 के आसपास, फिर काफ़ी 45 तक गया, फिर 72 तक की राइज दिखाई, लेकिन इसके बाद फिर ये स्टॉक अभी आपका डाउनफॉल में चल रहा है। तो इस स्टॉक में आपको क्या करना है दोस्तों, स्टॉप लॉस तो देखिए दोस्तों इसमें बहुत क्लियर है, आपको यहाँ पे देखिए 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना है, काफ़ी क्लियर है। ये वाला जो रिसेंट का है इसका लो था, टारगेट हमारे इसमें रहेंगे 74 रुपीज़ तक के, बाकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए अभी मैं इस स्टॉक को सजेस्ट नहीं करूँगा। तो इस स्टॉक में दोस्तों आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इसमें आप रखिए सिंपली स्टॉप लॉस आप रखिए 60 रुपीज़ का, छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे वो 73-74 रुपीज़ के आसपास के रहेंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन चारों स्टॉक्स को लेके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा, साथ ही आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।